हे एवरी वन, वेलकम बैक टू नीट शॉर्ट्स. सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है बिकॉज आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन. सो आई एम मेकिंग अ वेरी स्मॉल वीडियो टुडे. सो आई वॉन्टेड टू कम हियर एंड टेल यू दैट जब आप कोई क्लास अटेंड करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर वट एवर यू हैव ज्वाइन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप डाउट्स पूछेंगे क्लास में, अगर आपको डाउट है, तो उससे आपका लर्निंग जो है काफ़ी इम्प्रूव होता है. जैसे अगर आप कभी डाउट पूछते हैं तो टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, तो वो चीज़ आपके दिमाग में जिस तरह से फिट होगी, प्रॉबेबली इट विल नॉट हैपन इफ़ यू रीड अ बुक और यू नो यू डू इट बाय योर सेल्फ. एंड ये मत सोचिए कि डाउट पूछ रहे हैं मतलब आप बेवकूफ़ हैं या आप डम्ब हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आकाश लाइव करती थी तो एक टीचर थी, वो काफ़ी गुस्सा होती थी जब मैं डाउट्स पूछती थी, ठीक है. एंड उन्हें लगता था कि मैं ज़बरदस्ती डाउट्स पूछ रही हूँ, जस्ट वेस्ट हर टाइम, या फिर मैं पागल हूँ, डम्ब हूँ. मुझे ये भी नहीं पता था कि डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं. तो मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया था कि प्लीज़ आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता. शी गॉट रियली अनॉयड एंड इरिटेटेड विद मी, बट दैट्स ओके. इट्स ओके, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है कि टीचर को क्या क्या लग रहा है, बच्चों को क्या लग रहा है कि आप डाउट्स पूछ रहे हैं, नहीं क्या डम्ब हैं क्या. आप अपना डाउट पूछिए, बिकॉज डाउट्स पूछने से क्लैरिटी आती है. जितने डाउट्स पूछोगे उतना ज़्यादा आपका लर्निंग बेटर होगा. तो बी फियरलेस, बी मोटिवेटेड, डोंट थिंक वॉट अदर्स आर थिंकिंग, एंड आस्क योर डाउट्स वेरी वेल इन क्लास. और पीछे पड़ जाना टीचर के कि नहीं आप समझाओ हमें, वापस समझाओ. इट्स ओके टू आस्क, क्या फ़र्क पड़ता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट इफ यू डोंट आस्क यू विल नेवर गेट इट. आई होप दिस हेल्प्स. स्टे ट्यून. बाय.